हेलो व्यूवर्स, मैं ग्रीन एंड इजी चैनल से आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की मेरी वीडियो ट्रैक्टर गाइडिंग वीडियो है। मैंने पहले वाली वीडियो में इस प्लांट को अजवाइन प्लांट कहा था। दरअसल इसकी खुशबू अजवाइन की तरह होने की वजह से मोस्टली हमारे यहाँ इसे अजवाइन ही कहा जाता है, पर इसका नाम इंडियन बोरेज या कोपरावली कहा जाता है। इसको मैक्सिकन मिंट, स्पेनिश थाइम, कंट्री बोरेज के नामों से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने अजवाइन के छोटे छोटे नाजुक घास की तरह प्लांट देखे जो कि हमारे यहाँ धनिया या कोरिएंडर जैसे दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग इसे अपने खाने में बहुत यूज़ करते हैं हर्ब की तरह। इसका नेटिव लैंड अफ्रीका है। अफ्रीका के जंगलों में अगर यह छोटे छोटे पत्तों का प्लांट दिखाई दे जिसकी स्मेल ऑर्गेनो की तरह हो तो यह इंडियन बोरेज प्लांट है। इसे मैक्सिकन मिंट, स्पेनिश थाइम, कंट्री बोरेज कहा जाता है। इसके पत्तों को मीट या चिकन, करी, वेजिटेबल डिशेस में फ्लेवर के लिए एज ए हर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मोस्ट पॉपुलर यूज़ स्किन ट्रीटमेंट में है। एक्जिमा, इरिटेशन, स्वेलिंग को ख़त्म करने में इंडियन बोरेज या मैक्सिकन मिंट बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने अपनी पहली वीडियो में इसके हर्बल बेनिफिट बताए थे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यह इजी टू ग्रो प्लांट है। सकुलेंट प्लांट की वजह से इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना सब इस प्लांट के बारे में जो भी जानकारी थी वो पहले वाली वीडियो में बता दी है। आप उसे ज़रूर वॉच करें, देखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।